अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। पिछले दिनों हम अपनी एक फ्रेंड फैमिली की तरफ दावत पर इनवाइटेड थे और आज का व्लॉग इसी बारे में है। परदेश में कोई दावत हो, कोई सालगिरह हो या फिर कोई वंडिश हो, ये सब मौके हम परदेशियों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि इन सब मौके पर हम लोग मिलजुल कर बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, बच्चे बच्चों के साथ इंजॉय करते हैं, लेडीज़ अपनी फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करती हैं और जेंट्स भी अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। जेंट्स के लिए घर में इंतज़ाम किया गया है और लेडीज़ और बच्चों के लिए हॉल में इंतज़ाम है। सिर्फ खाने के वक्त जेंट्स जो हैं वो हॉल में आए। हमारी कुछ फ्रेंड्स किचन में मेज़बान के साथ हेल्प करा रही हैं और बच्चे, ये आप देख सकते हैं कि खाने का वेट कर रहे हैं, और वेट करने के दौरान कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कुछ मोबाइल पर अपने पसंदीदा प्रोग्राम भी देख रहे हैं। खाना लग चुका है और उसकी खुशी आप यहाँ देख सकते हैं। माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं कि खाना टेबल पर लगाया जा चुका है और जेंट्स को भी पैगाम भिजवाया गया है कि वो अब आकर खाना ले सकते हैं। खाने के बाद ये देखें, बहुत मज़े का मीठा भी टेबल पर लगाया जा चुका है। बच्चे साथ साथ गपशप लगा रहे हैं और छोटे बच्चों की, जैसा कि आप देख सकते हैं, हेल्प भी कर रहे हैं और मीठा भी खा रहे हैं। चाय के बग़ैर तो पाकिस्तानी हमारी गैदरिंग्स मुकम्मल ही नहीं होती, और आज तो स्पेशल किस्म की सब्ज़ चाय जो है वो बनाई गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये मेरी चाय है जो कि एक स्पेशल किस्म के दूध से बनाई गई है, और इसके लिए मैं अपनी फ्रेंड का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। अब देखते हैं कि बच्चे किन एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं। ये अपने प्यारे से पर्स में एक हमारी प्यारी सी गुड़िया जो हैं वो कुछ चीज़ें लेकर आई हैं, और साथ साथ वो अपनी फ्रेंड को दिखा रही हैं, और देखते हैं कि इसके बाद बातचीत कहाँ तक जाती है। जी, कॉपी पेंसिल पकड़कर अब यहाँ पर कुछ लिखा जा रहा है। मेरा ख़्याल है खेलने का टाइम टेबल बनाया जा रहा है या फिर ड्राइंग की जा रही है। यहाँ ये दो बहुत प्यारे बच्चे जो हैं वो एक बेबी का ख्याल रख रहे हैं।
लीजिए जनाब, आ गया मेरा फ्रेंड और ये आज उसके पास बहुत प्यारी सी ये घड़ी भी है और अब वो हमें इसके फंक्शंस दिखाएगा। ये देखें, ये भी एक बहुत प्यारी सी घड़ी है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं जैसा कि आप अभी देखेंगे। कुछ बच्चों से हमारी मुलाकात आज काफ़ी दिनों के बाद हुई है और वो कुछ शर्मा रहे हैं और अपनी मामा के पास बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं एक बहुत प्यारी सी गुड़िया को। छोटे बच्चों को भी पता है कि उनके राइट्स क्या हैं और वो अपनी मर्जी से खेल खेलना चाहते हैं। ये हमारी गुड़िया वेट कर रही है कि कब फ्रेंड का मूड ज़रा बहाल हो तो उसके साथ फिर खेला जा सके। मेरा ख्याल है यहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, कोई मसला हल करने की कोशिश की जा रही है और साथ में ये एक तीसरी फ्रेंड भी आ गई हैं साथ देने के लिए और हेल्प करने के लिए। कुछ बच्चे हॉल के बाहर जाकर भी एंजॉय कर रहे हैं। आखिरकार दो पुरानी दोस्तें इकट्ठी हो ही गईं। आज की दावत बहुत अमेजिंग रही जिसमें रौनक भी थी, फूल भी थे, खुशियां भी थीं और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। हम सब की तरफ से बहुत दुआएं हमारी फ्रेंड फैमिली के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।